यहाँ पे प्री वेडिंग अच्छा रहेगा ना। अरे आंटी का दिन का पूरा हेलो हाय, देखो आंटी कैमरामैन। कैसा लग रहा है आंटी, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लगा बेटा जी, ये पहली बार है और लास्ट याद रहेगा लास्ट तक ना जी। वो देखो प्यार है, देखो रावण बन रहा है, देखो इसमें वाओ ये सब समझ लो आप पत्थर उस जमाने के हैं, श्री राम जी के जमाने के, सीता मैया के जमाने के। अच्छा ये आइए आंटी आइए, ये है कुंड। सुन लो ये जगह का नाम है तपोवन। यहाँ पर पहला दर्शन है राम भगवान और सीता माता जी का। ये जगह पर तीन भगवान खड़े हुए थे जो ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन भगवान के चरण लगने से तीन तीर्थ है यहाँ पे। ये तीन भगवान को साक्षी मान के सीता माता ने इधर अग्नि में प्रवेश किया था। ये अग्नि कुंड है। जब रावण सीता माता को सीता गुफा से हरण करके ले गए, ये सीता माता का मायावी रूप रावण लेकर गए पंचवटी सीता गुफा से, जो सीता माता का असल रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीन भगवान के सामने इधर अग्नि में गुप्त रखा था ये अग्नि कुंड। ये मुक्ति कुंड है, सीता माता स्नान करने की जगह सौभाग्य तीर्थ कहा जाता है। नीचे में कपिल ऋषि ने तप करके लाई ये कपिला नदी है। त्र्यंबकेश्वर से आती हुई गोदावरी दो नदी का पीछे संगम होता है। ये लो ये सात कुंड का तीर्थ लेना इस जगह का। ये जगह पर यथाशक्ति दान होता है, जो आपकी इच्छा बने जो कर्म करना होगा करो। ये रामायण कालीन जगह है यथाशक्ति। यहाँ यहाँ नाक काट कर गोदावरी के उस पार डाल दिया तो वो बाजू नासिक, गोदावरी के साइड पंचवटी। इधर लक्ष्मण ने तप किया, तप करने से तपोवन और राम जी का बनवास। अभी चैती का महापर्व, कल पूनम का बड़ा अतिथि का महापर्व गोदावरी में यात्रा सुना। कल बहुत बड़ा मेला लगेगा पूनम पर्व का। तुलसी माता के यहाँ दीपदान सीता माता से शुभ तुम्हारी क्या उदाय करना चैत्र मा। अब यहाँ से जा रहे हैं आगे, तो हमने गोलगप्पे खाने, अभी सीता मैया की गुफा एंड ये अग्निकुंड सब जगह देखी। जो वाइब्स है बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, बहुत प्यारी है। और सडनली प्लान बना बिल्कुल और हम लोग यहाँ पे आ गए। गाइस हम लोगों का यहाँ पे एक सामान छूट गया था, हम गोलगप्पे खाते खाते यहाँ पे छोड़ गए थे और अभी हम लोग वापस गाड़ी लेके आए अपना सामान देखने। तो चेक करते हैं शायद किसी ने रखा हो। बेसिकली गाइज मैंने एक फोटो फ्रेम लिया था मंदिर से, मंदिर के बाहर पे एक शॉप है वहाँ से, और पांच की रिंग्स ली थी छल्ले। बट हुआ क्या, जैसे हम बाहर निकले हम लोग गोलगप्पे खाने लगे एंड मैंने वो साइड पे ही रखा था उस वहीं पे और मैं भूल गई और हम लोग वापस उस होटल में चले गए जहाँ हम रुके थे। फिर मुझे अचानक से याद आया कुछ मिसिंग है और जैसे ही मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा यार हम लोग लेने चलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिल से लिया था वो सामान। और फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग अब चलते, थोड़ा सा दूर था तो हम लोग आए तो देखा जो वो गोलगप्पे वाला स्टॉल था वो बंद हो गया था। देन अब कोई सॉल्यूशन नहीं, तो बगल में जो ये शॉप्स हैं मंदिर के तो हमने उनसे पूछा और कॉन्टेक्ट नंबर लिया, तो पता चला गोलगप्पे वाले भैया शॉप बंद करके वो नासिक निकल गए। अब सॉल्यूशन क्या है, जो हमारा सामान है उन्होंने अपने वो जो ठेला रहता है स्टॉल उसके नीचे लॉक करके रखा है। तो हमने अंकल से पूछा कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप उनसे कल ले लीजिएगा, और क्योंकि हमें सुबह 5 बजे निकलना है तो हम आपसे वो सेम सामान लेते हैं। तो वो इतने अच्छे थे तो अंकल ने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो कितने सालों से यहाँ पे मंदिर का ये शॉप है मंदिर पे। इसलिए मैं ये की रिंग्स अभी उनसे ले रहा हूँ और वो गोलगप्पे वाले भैया इनको वापस कर देंगे और हम यहाँ से अभी ले जा लेंगे। सो मतलब वेरी, मतलब ऐसे यूजुअली लोग मिलते नहीं है, यहाँ पे मिले तो वेरी वेरी गुड। ये रहे वो अंकल जी, ये रहे वो सबसे अच्छे अंकल जी, सबसे अच्छे अंकल हैं। इन्होंने बता दिया उनको शॉप में बिजनेस भी करते, धर्म भी करते। सुनो तो वही अच्छा।